हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। सो गाइस, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, आ गई हूँ मैं एक आज आपके साथ क्लीनिंग का ब्लॉग शेयर करूँगी, किचन क्लीनिंग का ब्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं दवाई खाऊँगी, दवाई खाने के बाद ही मैं जो किचन क्लीनिंग का ब्लॉग जो शेयर करूँगी। सुबह की मेरी डस्टिंग, झाड़ू हो चुका है, पोछा भी बाकी है। तो पहले मैं किचन क्लीन करूँगी, और जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले मैं दवाई खाऊंगी, क्योंकि दवाई नहीं खाऊंगी तो फिर मेरे पैर में जो है पेन हो जाता है, और मुझसे काम भी नहीं होता ना तो चला जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों को पता ही है कि मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो देखिए, दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। और ये इतनी बड़ी चप्पल, मुझसे छोटी चप्पल नहीं पहनी जाती। और ये मेरे हस्बैंड की चप्पल है जो कि मैं पहन रही हूँ आजकल, तो 15 दिन से यही चप्पल पहन रही हूँ, और 15 दिन से ही मेरा ट्रीटमेंट जो है चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इसको मतलब बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, पानी नहीं लगना चाहिए। और ये पट्टी जो है ना, ऐसे मेरी अपनी चप्पल में जैसे मैं चप्पल पहनती हूँ तो दर्द होता है, तो इसलिए मैंने खुली खुली बड़ी बड़ी चप्पल पहनती हूँ। तो यही वाली चप्पल जो मैं आजकल पहन रही हूँ, मतलब क्या कर सकते हैं, पहनना पड़ेगी, कोई बात नहीं है। और यही चप्पल पहन के मैं डॉक्टर के पास भी जाती हूँ, क्योंकि दूसरी चप्पल नहीं पहनी जाती है, और दूसरी चप्पल पहन के मुश्किल होता है। तो प्रिंस मेरे साथ जाता है, मैं कभी कभार खुद चली जाती हूँ। अभी थोड़ा ठीक हूँ, शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम था, बहुत दर्द था, अभी तो थोड़ा ठीक हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए आपके साथ किचन के क्लीनिंग का वीडियो जो है शेयर करती हूँ। और अभी ना मतलब ठंड बहुत कम हो गई है, और जैसे ही मैं दवाई खाती हूँ ना, मेरा फेस थोड़ा ना भारी भारी हो जाता है। मुझे दवाई बिल्कुल शूट नहीं करती है, लेकिन खानी पड़ेगी। और मेरी आंखें भी देखिए दवाई की वजह से है, क्योंकि मैं जब भी दवाई खाती हूँ किसी भी चीज़ की, चाहे मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, जब भी मैं दवाई मेडिसिन वगैरह खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा। दवाई खाते ही मुझे नींद शुरू हो जाती है, इसलिए मैं सारे काम काम ख़त्म करके ही दवाई खाती हूँ, ताकि अगर नींद भी आए तो मैं दवाई मतलब काम ख़त्म हो जाएगा तो सो जाऊँगी, एक आधा घंटा तो सही रहेगा, नहीं तो मेरी आंखें बंद ही होती रहती, इतनी ज़्यादा नींद आती है। और सब लोग मुझे बोलते हैं कि कितना सोती है, कितना सोती, मैं क्या करूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ब्लॉग क्लीनिंग का।
सारा किचन हो चुका है साफ। तो यहाँ पे मेरे ये देखो, ये इसमें शक्कर पत्ती, चाय पत्ती और तेल, और इसमें घी होता है ना, तो ये कभी कभार मैं गर्म करती हूँ तो ये हल्का सा काला काला हो रखा है। तो मेरे किचन का फ्लोर हो चुका है एकदम चकाचक, तो मेरी गैस भी साफ़ हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप कि किचन क्लीनिंग हो चुकी है, और इसमें कुछ रोटियां हैं जो बच गई थी मैंने रखी हैं ढक के, और इसमें पानी है थोड़ा, खाना बनाने के लिए एक्स्ट्रा पानी भर के रखती हूँ जब पानी आता है। तो इस तरह से पूरी किचन जो है क्लीन हो जाती है। और तो यही था मेरा आज का ब्लॉग किचन क्लीनिंग का, फ्लोर का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप जो कपड़े देखते हैं ना किचन में, हमेशा कपड़े रहते हैं हाथ वगैरह पोंछने के लिए, ये हाथ वगैरह पोंछती हूँ इससे मैं, और ये बर्तन पोंछने के लिए जो बर्तन गिल्ला रहता है, और ये मेरे कपड़ा है बांधने का, कपड़े वगैरह सॉरी बर्तन साफ़ करने के टाइम पहनती हूँ, खाना मतलब कि रोटी बनाने के टाइम पे। तो कैसा लगा आपको मेरा किचन क्लीनिंग का ब्लॉग मुझे बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ लेके आई थी, तो संतरे लेके आई थी मुझे खाने थे, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा तेज़ वाली गर्म है, तो गर्म दवाई शूट नहीं हो रही है, तो इसलिए संतरे वगैरह खा रही हूँ तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं सब्जी लाई थी, भिंडी वगैरह, और ये गोभी है। देखना भिंडी कितनी महंगी है, बहुत ज़्यादा भिंडी महंगी है, तो मैं सोची चल थोड़ी सी एक पाव ले लेती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, थोड़ा इसमें प्याज डालूँगी तो चलो टिफ़िन हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल रहती है सब्जी की सुबह सुबह, तो ये सब्जियाँ लाई थी। और ये मटर हैं और नीचे गाजर है, तो कुछ सब्जियाँ ला के आई थी मैं, मतलब शाम के लिए और कल मॉर्निंग के लिए। तो नेक्स्ट डे तो फिर सब्जी वाला आ ही जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं लेती हूँ, तो जितनी चाहिए होती है उतनी ही लेके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सब मैं शेयर कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। तो बाय बाय, थैंक्स।